वो तुम्हारी वो इनक्यूबेशन वाली स्लाइड, इज दैट डन? ऑलमोस्ट डन। ओके कूल। इस चैप्टर वो की चैप्टर 5। यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। यस प्लीज। ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी हाशिम भी है। हाउ रूड। हाशिम, वो तुमने लास्ट वाली स्लाइड में जो कंक्लूजन ऐड करना था वो तुमने कर दिया? यप। परफेक्ट। बाय द वे, तुमने वो राइटर का इंटरव्यू देखा जो ओपरा ने लिया कल? शी वाज सजेस्ट। यप, सॉ दैट। ये वही सीरीज है ना जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? या आई थिंक आई हर्ड अबाउट इट। हाँ, काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। ऑल द एलिस्टर्स वर शेयरिंग इट। या एंड स्पेशली दैट एक्टर। ये स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म वाली स्लाइड चेंज की थी? हाँ, हमने चेंज किया। क्यों, पहले वाली ठीक नहीं थी? नहीं, ठीक थी, बट कुछ मिसिंग सा लग रहा था इसलिए। ये बुक की नोट्स तो नहीं लग रहे? हाँ, वो एक्चुअली हम लोगों ने रामेश के भाई के। रामेश का भाई हमारी यूनी में? आई थिंक आई हर्ड अबाउट हिज स्टोरी। रामेश, मैंने कुछ नहीं। हेलो। हेलो रामेश, किधर हो? बाहर हूँ। घर कब आ रहे हो? आता हूँ। बेटा, कभी तो जल्दी घर आया करो। मम्मी आजकल बिजी हूँ, लेट आऊंगा। तुम पूरा दिन घर से बाहर क्यों रहते हो? तुम मेरी वजह से घर नहीं आते। अम्मी, मैं मुझे पता है मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मुझे जितनी सजा मिले कम है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं यूनिवर्सिटी के काम में बिजी हूँ। अगर आप बार बार कॉल करेंगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा अपने काम? क्या आप चाहती हैं मैं अपने प्रोजेक्ट्स में फेल हो जाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो। लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, इस सब के चक्कर में अपनी सेहत नहीं खराब कर देना। हमसा को क्यों नहीं बोला? ये तड़प गया होगा वो ये सब सुनने के लिए। तब क्या फायदा इन सब बातों का? रामेश, आर यू ओके? या आई गेस। तुम्हें हुआ क्या है? सी यू गाइस टुमॉरो। कहाँ जा रहे हो रामेश? रामेश, इज एवरीथिंग ओके? हुआ क्या है? अभी नहीं, आई एम सॉरी। रुको, मेरी बात तो सुन। हेलो। हाय, ऑल ओके? या आई गेस। रामेश, जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने हाशिम को कुछ भी नहीं बताया था। आई डोंट नो उसको कैसे पता चला। नहीं नहीं, मुझे पता है, शायद किसने बताया होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स ऑल गुड। तो फिर क्या हुआ था? किसकी कॉल आई थी? कोई नहीं, बस मेरी अम्मी की कॉल थी। इज शी ओके? या एक्चुअली नो। डिड यू
talk to her? नहीं, घर नहीं गया. क्यों? पता नहीं. रामेश, I think you should talk to her. I don't know if I can. मैं जब भी उन्हें देखता हूँ, I instantly remember Hamza and what my parents did to him. उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जिसका मुझे फिर पछतावा होगा और फिर वही होता है. रामेश, I don't blame you, but I'm pretty sure कि तुमसे ज्यादा वो अपने आप को ब्लेम करते होंगे. They should. They do. तुम कब आए? बस अभी. आपने खाना खाया? दुनिया भर की माएं अपने बच्चों से ये सवाल पूछती है और एक मैं हूं. इतनी बुरी मां हूं मैं. मेरा हमजा मुझसे बहुत नाराज गया है इस दुनिया से. हमजा आपसे नाराज नहीं हो सकता. तभी तो चला गया वो. बहुत याद आती है उसकी मुझे. ऐसे ही रो रो के मर जाना चाहिए मुझे. आप चाहती हैं कि मैं भी अकेला ही रह जाऊं? कम से कम मुझे देखकर तुम्हें दुख तो नहीं होगा ना? होने दें, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको. कब तक? जब तक हम सब खुद को माफ नहीं कर देते. और अगर वो दिन ना आया आएगा एक ना एक दिन तो जरूर आएगा. तब तक मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगी मैं? यही सोच करके मैं हमजा भी हूं और रामेश भी. माना कि मैं हमजा जितना स्मार्ट नहीं हूं और उसकी तरह अच्छे जोक्स भी नहीं आते मुझे, लेकिन आप हंस लीजिएगा जबरदस्ती. ऐसी बात भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही गया है वो मुझे भी. आप जानते हैं ना, वो मुझे साइलेंट मूवी का कैरेक्टर कहता था. तुम कितना चिढ़ते थे इस बात पे. मैं रोज सोचता था कि आज मैं उसकी किसी बात का रिएक्शन नहीं दूंगा, लेकिन वो रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करता था.
अपना कॉमेडियन बन सकता है। हाशिम जा चुका होगा अब तक, शी मस्ट बी फ्री बाय नाउ। आई शुड टेक्स्ट हर, वेट आई डोंट हैव टू टेक्स्ट हर, उसका खुद का भी कोई टेक्स्ट नहीं आया, और वैसे भी अगर एक दिन बात नहीं भी हुई तो कोई कयामत नहीं। ओ शी टेक्स्टेड, हे यू होम येट? या Just got home. Hashim left? हाँ, just now. इतना लेट गया वो? ऐसा भी क्या डिस्कशन चल रहा था? Cool. कल प्रेजेंटेशन है तो आज काफी टाइम लग गया। Yeah, I get that. Just thought I should clarify. क्यों? बस ऐसे। आई एम ग्लैड यू डिड। आई नो यू डू। वाओ यार, काफी स्मार्ट हो। आई नो दैट टू। खुशफहमी। प्रेजेंटेशन। ओ नो 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 नो, 2 बजे गुड नाइट कर देना चाहिए था। पर क्या करती? टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था, ना वो चुप हुई ना मैं। दिस वाज डेफिनेटली अ बैड आइडिया, अ वेरी वेरी बैड आइडिया। अम्मी आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मेरे लिए बहुत दुआ करिएगा। ओके अल्लाह हाफिज। अरे तैयारी कंप्लीट नहीं है क्या? इससे पहले तो तुमने कभी दुआ का नहीं कहा। नहीं बस आज जरूरत है ना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। आप कब उठी? बस अभी जागी थी। वो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन शायद देर हो गई। जी वो आज मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया, आप सो जाएं जाकर। आप आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। प्रेजेंटेशन जब ख़त्म हो जाए तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि कैसी गई है। दाफिस। रामेश कहाँ रह गए हो तुम? यार the traffic is pretty bad. मैम को कहते ना I'm running late. वो तो मैं बोल दूंगी, लेकिन जल्दी आओ, बहुत कम ग्रुप्स बचे हैं। Yeah, I'm trying. रामेश, I swear to God I can't believe this. I'm saying this to you, but if I fail because of you, I will kill you. Okay, bye. चल। Take it and go to conclude this research. Why are you late? Sorry ma'am, bad traffic. मैं आपके ग्रुप के 5 नंबर डिडक्ट करूंगी।
ओके सो एज ए स्टूडेंट परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन एक वो चीज़ होती है कि जो आपके दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है किसी भी चीज़ को लेके, दैट्स अ परसेप्शन। इट कैन आल्सो बी एन इल्यूजन और अ डिल्यूजन। व्हेन कमिंग टू सेंसेशन, शिट, ही इज नर्वस। एरिस्टोटल, यू हैड वन जॉब डेकेड एंड वरंट, वी प्रैक्टिस्ड फॉर दिस। क्या हो गया इसे? वर द अली अर्ली फिलोसोफर्स हु डेल्ट विद द एक्ट ऑफ कॉग्निशन कैन बी स्टडीड थ्रू द linguistics and shit, I hate this so much. I hope I don't pass out. Apart from linguistics and anesthesia, neurosciences includes education, physics, chemistry, biology and computer sciences. And computer science is one of the most favorite subjects that we studied. And to conclude, we can also just say that psychology has always been a very interesting subject to study. Helps you get your mind better, helps you in thinking, helps you in conducting your behaviors properly. Subject that I've been studying since a very long time. That's all. Well done, guys. आप लोगों ने बहुत अच्छी presentation दी. खास तौर पे आपने हाशिम। थैंक यू। तुम लोग ना यहीं वेट करो, मैं जरा मिस से बात करके आती हूँ कि हमारे 5 मार्क्स हासिल कर लो। क्या By the way, thank you for what you. No problem. मेरी वजह से already तुम लोगों के इतने marks कट गए थे, तो it's trying to make up for that. Also, I'm not sure कल क्या हुआ था, but no worries. I just overreacted. हाशिम कौन है? वो अपने दोस्तों में गया आई गेस। ओह मैम ने क्या कहा? मैम मान गई। उनके ऊपर मैंने रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई की। उन पर अप्लाई की, तुम पे नहीं की। आई नो अनम, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट होकर आती हूँ। ओके मैं फिर तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। ओके वो अनम कहाँ गई? वो मैम के पास है। क्यों? नहीं ऐसे, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर हर। हे अब तुम कहाँ चले गए थे? यू नो फ्रेंड्स। Yeah, you have a lot of them. I do, just like you. अब जब group project over हो गया तो तुम अपने actual दोस्तों के पास जा सकते हो। Excuse me, actual friends? You're also my actual friend, and you should be happy. I chose you. You're right. I'm so blessed. अच्छा listen, वो I'm going out with my friends for a movie. Do you wanna join? Maybe next time. Sure. Okay, bye. Hi. All good? Yep, all good. क्या प्लान्स हैं आज के तुम्हारे?
कुछ नहीं, घर जाकर सो जाऊंगा, नींद पूरी करूंगा। तुम? सेम। आज पहली बार यूनिवर्सिटी तुम्हारी वजह से लेट पहुंचा मैं। मेरी वजह से? तुम थे जो रात के 4 बजे तक बातें कर रहे थे। यार समी, ये लोग कौन थे? एक्टर्स लग रहे थे, देख कैमरा भी लगा हुआ है। फिर हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? स्पेशल अपीयरेंस। सीजन टू? सीजन टू। नाइस। फहद, यहाँ कट करना है। आपको ये एपिसोड पसंद आई इंट्रोवर्ट्स की? अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इमेजिनेशन पिक्चर्स को और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।